बात सुनो, बहुत करोड़ों की बात है। आज की कथा का सूत्र तुम्हें समझ आएगा इससे। भगवान की कथा और भगवान की भक्ति तोड़ने का काम नहीं करती, जोड़ने का काम करती है। कौन सा काम करती? जोड़ने का। जोड़ने का काम कथा का है। लोग हमसे कहते कथा क्यों होनी चाहिए, हम कहते बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कथा ही तो है जिसमें ना जात देखी जाती, न पात देखी जाती, न महाराष्ट्रियन, न गुजराती, न मध्य प्रदेशी। एक सीट की लाइन में विदेशी भी यहां देखो बगल में बैठे हैं और देसी भी बगल में बैठे हैं। ये जोड़ने का काम, भेदभाव से ऊपर, अमीरी गरीबी से ऊपर, भेदभाव रहित जीवन जीने की कला कोई सिद्धांत सिखाता है तो उसका नाम कथा है। मेरे पागलो, तुम याद रखना, तुम अगर महान बनना चाहते हो, आज की कथा का सूत्र नोट कर लेना, तोड़ने वाला हमेशा गिरा हुआ रहता है, जोड़ने वाला हमेशा सिराखों पर रखा जाता है। किसी राज्य में रहने वाले दर्जी, आहा, दर्जी था, दर्जी का एक बेटा था। दर्जी कपड़ा सिल रहा था, जल्दी जल्दी कैंची चलाए और सुई से जल्दी जल्दी ठीक करे। लेकिन उसकी आदत थी, जब वो कैंची से कपड़ा काटता था तो कैंची को नीचे रख लेता था और सुई से जब सिलता था तो सुई को टोपी में लगा लेता था। तो बेटे ने पूछा, बापू आप हमको दिन भर से बैठाए क्यों हो? बोले, बेटा एक बात समझाने के लिए। पिताजी, क्या? बेटा, जो काटने का काम करता है उसे पैर के नीचे रखा जाता है, जो जोड़ने का काम करता है उसे सिर पर रखा जाता है। भगवान की कथा और सदगुरु जोड़ने का काम। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की कथा में तुम्हें सीख करके जाना है, भारत में जितने भी लोग बैठे और यहां भी जितने भी मेरे प्रियजन बैठे, मेरे आत्माओं, तुम्हें बड़ा बनना है, तुम्हें महान बनना है। तुम्हें अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें पूछें, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जानें, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो आज की कथा का सूत्र तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत काम का है। तुम तोड़ने का काम करोगे तुम डूब जाओगे, जोड़ने का काम करोगे तुम दुनिया में जाने जाओगे। कथा जोड़ने का काम करती है, इसलिए तो कथा पूरी दुनिया में महिमा, कथा को सब सुनते हैं इसीलिए तो मानते हैं, क्योंकि कथा जोड़ने का काम करती है। मेरे प्रियजनों, कीमत जोड़ने वाली की है, तोड़ने वाली की कोई कीमत नहीं। जो जोड़ता है उसकी कीमत है। और जोड़ने का सिद्धांत अगर हम कहें तो बाहर से बाद में करना, पहले घर से जोड़ना, पिता को पुत्र से जुड़ना चाहिए। बुरा ना मानना, आप लोग विदेश में रहते, लेकिन हमें आप लोगों का बहुत डर लगता है। आप डर इस बात का लगता है, आपका परिवार आपसे बिछड़ रहा है, बच्चे टूट रहे हैं, परिवार टूट रहा है, और आप कह रहे हो कि आप मॉडर्न होते जा रहे हैं, आप कह रहे हो कि आप सभ्य होते जा रहे हैं, आप कह रहे हो कि आप साधन संपन्न होते जा रहे हो, हमें लगता है कि आप बहुत खोखले होते जा रहे हो। अगर आप परिवार तोड़ करके अगर आप बहुत समृद्ध बन रहे हो तो आप खोखले होते जा रहे हो। अगर आप परिवार को तोड़कर, भाई को तोड़कर, नाते तोड़कर, पिता पुत्र को तोड़कर और पुत्र पिता को छोड़कर अगर बड़ा बन रहा, अलग मकान ले रहा, हमें लगता उससे गरीब दुनिया में कोई नहीं होगा। बुरा ना मानना, आप ऑस्ट्रेलिया में रहो, पर हमारे एक संत ने हमसे पूछा, बाबा अमीर तुम्हारी नजर में कौन है? हमने मुस्कुराते हुए उस महात्मा को कहा, जिसके दरवाजे के बाहर बूढ़े मुस्कुरा रहे हो, समझना ये अमीरों का दरवाजा है। अमीर बहुत है तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया में, अमीर बहुत है इसी सिडनी में, बहुत अमीर है, बड़े बड़े मकान है, 3 VHK, 4 VHK, 5 VHK, लेकिन माय डियर, तुम्हारे मकानों के अंदर में एक भी इंसान नहीं रहता। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। कुत्ते रहते कुत्ते, तुमने बिल्लियां पाल रखी मनोरंजन के लिए, कि कोई तो चाहिए बात करने के लिए, और तुम कुत्तों से बात करते करते तुम्हारी आदत भी, I'm sorry to say everyone, बट बात व्यासपीठ अगर सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा?